हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आपका द्वितीय पत्र आहार विज्ञान एवं पोषण, इसमें आपका अध्याय है आहार नियोजन, यानी जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं आहार विज्ञान के अंतर्गत जो भी हम संतुलित भोजन है, हमारे भोज्य समूह हैं, इनको किस तरह से हमें संतुलित डाइट के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो इस अध्याय में, इस बुक में आपके आहार विज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं उसको से प्लानिंग करनी चाहिए कि किस समय हमें किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसकी उम्र, लिंग, आवश्यकता के अनुसार ही भोजन देना चाहिए, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए, वही आपके आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग के अंतर्गत आता है। वही उसका मील प्लानिंग होता है, आहार नियोजन होता है। तो संतुलित आहार के निर्माण में, इस संतुलित आहार होता क्या है, बैलेंस्ड डाइट, वह आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए सभी पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं हमारे भोज्य पदार्थ में, वो आपका संतुलित भोजन कहलाता है। तो संतुलित आहार के निर्माण के लिए आहार नियोजन करना आवश्यक है। संतुलित आहार निर्माण के लिए हमें आहार नियोजन करना ही पड़ता है। आहार नियोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप मील प्लानिंग करते हैं तो मील प्लानिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आहार में सभी पोषक तत्व विद्यमान होने चाहिए। सभी पोषक तत्व जैसे वही आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, आपके जल, खनिज लवण, ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए, वही आपका मील प्लानिंग माना जाता है। उपज के साधनों को मितव्यतापूर्ण, यानी जो हमें उपज खेती बाड़ी से, प्रकृति से जो प्राप्त होता है उसका मितव्यतापूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए। इन प्रयोग में करते हुए पारिवारिक आहार संबंधी, जो परिवार में आहार संबंधी बात है उनको प्राप्त करने के लिए हमें आहार नियोजन करना चाहिए, उसे ही हम आहार प्रबंधन भी कह सकते हैं, यानी मील मैनेजमेंट, परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए मील मैनेजमेंट किया जाता है। तो आहार नियोजन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके द्वारा आहार नियोजन किया जाता है। आहार नियोजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी एक अच्छी आहार नियोजन की प्रक्रिया को हम संपन्न कर सकते हैं। तो प्रत्येक सदस्य की दैनिक आवश्यकता, तो प्रत्येक सदस्य की दैनिक आवश्यकता को प्रस्तावित पोषक तत्वों की पूर्ति करना, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए हमें आहार नियोजन करना चाहिए। जैसे कि वयस्क व्यक्ति है तो उसकी शरीर के अनुसार भोजन का निर्माण करना चाहिए। शैशवावस्था है, छोटा बच्चा है, शिशु है, तो उसे दूध के रूप में भोजन देना चाहिए, कितने समय में कितना दूध देना है। छोटे बच्चे के आहार में कौन कौन से आहार सम्मिलित किए जाते हैं, जो बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय जाने वाले बच्चे के लिए किस तरह का भोजन देना चाहिए, आहार प्लानिंग करनी चाहिए, इन सभी का ध्यान हम आहार नियोजन के अंतर्गत ही रखते हैं। तो परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उसी के अनुसार आहार नियोजन का बजट बनाना चाहिए। जैसे किसी की आमदनी ठीक नहीं है, उसके अनुसार ही हमें घर का बजट बनाना चाहिए, उसी प्रकार मील प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ एवं निरोगी रख सकें। भोजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, भोजन अधिकतम मूल्य का भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप आहार नियोजन बना रहे हो, मील प्लानिंग कर रहे हो तो अधिक पैसा खर्च कर रहे हो। तो भोजन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, भोजन पूर्ण रूप से पका होना चाहिए, एक गृहिणी को एक अच्छी पाक कला का ज्ञान भी होना चाहिए, कौन सा भोजन किस तरह बनाया जाता है। स्वाद में खट्टा, मीठा, चटपटा, नमकीन का मिश्रण भी होना चाहिए। जो भी आप भोज्य पदार्थ बना रहे हैं उसमें सभी तरह का समावेश होना चाहिए, खट्टा, मीठा, नमकीन। मुँह में लेने पर अगर अच्छा भोजन बनाते हैं तो मुँह में लेने पर दुर्गंध भी नहीं आती है, देखने में आकर्षक एवं मनोहरी भी लगता है, उसकी सुगंध अच्छी होनी चाहिए, समय, शक्ति, ईंधन की भी बचत होनी चाहिए। जब आप आहार नियोजन बना रहे हो तो समय, शक्ति, इनकी भी बचत होनी चाहिए, भोजन के
मनोवैज्ञानिक जो पहलू है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। आहार नियोजन लचीला होना चाहिए। लचीला होने पर आहार नियोजन को कभी भी किसी भी समय हम बदल भी सकते हैं उसकी योजना के अनुसार, इसलिए आहार नियोजन लचीला होना चाहिए। दैनिक आहार नियोजन में हल्के भारी जो प्रतिदिन जो भी हम आहार नियोजन कर रहे हैं, मील प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें हल्का भोजन भी होना चाहिए और भारी भोजन भी होना चाहिए। घर में जो सदस्य हैं, बीमार सदस्य है कोई, तो उसके अनुसार ही उसकी आहार प्लानिंग करनी चाहिए। भोजन में मौसमी फलों सब्जियों का भी समावेश होना चाहिए। जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें मौसमी फलें सब्जियाँ इनका भी समावेश होना चाहिए, क्योंकि फलों में विटामिन खनिज लवण ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रख सकते हैं। प्रतिदिन को एक इकाई मानकर, पूरा दिन है उसका एक यूनिट मानकर मील प्लानिंग करनी चाहिए। तो यह आहार नियोजन के सिद्धांत माने जाते हैं। इस तरह से हमें आहार नियोजन सभी भोज्य पदार्थों की मात्रा आहार में सम्मिलित करनी चाहिए। अब है आहार नियोजन के महत्व एवं उद्देश्य। आहार नियोजन का महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन इसका क्या महत्व होना चाहिए। तो आहार नियोजन से परिवार के सभी सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार मील प्लानिंग करनी चाहिए। सदस्य को निरोग रहने के लिए उनकी कार्य क्षमता एवं कुशलता के अनुसार भोजन देना चाहिए। आहार नियोजन करने से एक माह या एक सप्ताह, आहार नियोजन में एक सप्ताह के अनुसार ही खाने की जो व्यवस्थाएं पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती हैं। इसके लिए आहार सामग्री खरीदने में समय, शक्ति, धन की बचत होती है, जिससे बाजार में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है जब भी आप मील प्लानिंग कर रहे हो तो एक सप्ताह का जो भी सामग्री है एक साथ ही घर में आपूर्ति करनी चाहिए, ताकि बार बार आपको बाजार ना जाना पड़े, आपका समय और शक्ति दोनों ही खराब ना हो। आहार नियोजन करने में गृहिणी का समय बचता है, जो पहले से प्लानिंग करके चलते किसी कार्य की, इसी समय की भी बचत होती है। आहार नियोजन से धन की बचत होती है, क्योंकि भोजन सामग्री खरीदते समय उसका बजट भी नियंत्रित करना पड़ता है। आहार नियोजन में सुबह दोपहर बची हुई, जब आप आहार नियोजन कर रहे हैं तो सुबह दोपहर बची हुई वस्तुओं का उपयोग नवीन व्यंजन में भी बना कर सकते हैं। जैसे सुबह शाम का खाना बच जाता है तो आप उसे घर की सदस्यों की पसंद के अनुसार उसी प्रयोग में लेकर आहार नियोजन में उसे शामिल कर सकते हैं। आहार नियोजन करते समय ना केवल संतुलित पौष्टिक आहार की प्राप्ति होती है, बल्कि भोजन आकर्षक एवं मनोहरी भी लगता है। तो यह आहार नियोजन का महत्व होता है, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब है आहार नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मील प्लानिंग, यानी आहार नियोजन की कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं, इन प्रक्रियाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। एक औसत परिवार के लिए आहार नियोजन की प्रक्रिया निम्न बिंदुओं पर आधारित होती है। आहार नियोजन एक पूरे दिन यानी 24 घंटे में एक दिन मानकर उसका आहार प्लानिंग करनी चाहिए, आहार नियोजन करनी चाहिए। एक दिन में छह आहार के लिए एक साथ योजना बनानी चाहिए। घर सदस्य 7 से 8 सदस्य हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, उस पसंद के अनुसार 6 आहार एक साथ उनकी योजना बनानी चाहिए। प्रत्येक 2 भोजन के मध्य आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं के समय आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता का भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद आप अगली समय भोजन करते हैं, तो मिनिमम 3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए, ताकि जो भोजन का पाचन है, अवशोषण है, हमारे आमाशय में पूर्ण रूप से हो सके। जो हमारे शरीर की अन्य एक्टिविटी हैं, अन्य क्रियाशीलताएँ सुचारू रूप से हमारे अंग कार्य कर सकें। प्रत्येक आहार नियोजन प्रातः 6 से 7 जो आहार नियोजन होता है सुबह के मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाता है, 7:30-9:30 के बीच ये आहार नियोजन होना चाहिए।
आर्थिक स्थिति के अनुसार ही आहार नियोजन करना चाहिए। तो ये आपके आहार नियोजन की प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस के माध्यम से हम मील प्लानिंग को करना चाहिए। अब है आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आहार नियोजन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किन किन कारकों से आहार नियोजन प्रभावित होता है, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जैसे आयु, लिंग, वजन, क्रियाशीलता, अवस्था, भोजन की उपलब्धता, भोजन संबंधी अच्छी आदतें, मौसम, स्वास्थ्य, विशेष शारीरिक अवस्था, धार्मिक रुचियाँ, संस्कृति, ये सभी कारक मील बनाने को आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। जैसे छोटा बालक है, उसको अलग तरह का भोजन दिया जाता है तो इससे सारी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है, सारा जो व्यवस्था है बिगड़ जाता है। आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवार के हर सदस्य को संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके। हमारे भारतीय समाज में जो हमारा भारतीय समाज है, भोजन को मुख्य तीन समय माना गया है। इसके भी कई प्रकार के समय होते हैं, लेकिन हमारे भारत में सुबह का नाश्ता 8 से 9:30 बजे के मध्य में होता है, दोपहर का भोजन 1 से 2:30 बजे के मध्य में होता है और रात्रि का भोजन 8:30 से 9:30 के मध्य होता है। वो उनकी घर में जो सदस्य हैं उनकी क्रियाशीलता के उनके कार्य पर ही आधारित होता है। आहार विज्ञान एवं पोषण के अनुसार 3 मुख्य भोजन के अतिरिक्त और भी 3 भोजन समय, सुबह की चाय, शाम की चाय, सोते समय, इन समय को ध्यान रखती है। सोते समय में हल्का फुल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो यह आपके आहार नियोजन की प्रक्रिया होती है। तो आहार नियोजन में मैं इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी एक अच्छे भोजन संबंधी आप समस्याओं को हम पूरा कर सकते हैं। तो आहार विज्ञान में आहार नियोजन की यानी पोषण का उद्देश्य क्या होता है, इन सभी को हमने योजना बनाई, योजना का महत्व तो क्या है। तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शरीर में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें मील प्लानिंग करनी चाहिए तथा संतुलित आहार इसके लिए आवश्यक माना गया है। भोजन हमारे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मान्यता को भी प्रभावित करता है। जैसे कि जो शाकाहारी होते हैं मीट मांस इनसे छूती भी नहीं आने के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनकी धार्मिक मान्यता होती है। आहार के द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार एवं नियंत्रण भी किया जा सकता है। हमें बीमारियों से बचने के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए हमें एक अच्छे आहार का प्लान करनी चाहिए, एक अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को उपचारात्मक पोषण के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर आप आहार प्लानिंग कर रहे हैं, मील प्लानिंग करते हो, तो रोगी व्यक्ति को उपचारात्मक पोषण के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आपको इस तरह का भोजन ग्रहण करना है, आपको इस तरह की बीमारी है, यानी मैं जो पेशेंट है, मरीज के अनुसार उसकी आवश्यकता के अनुसार ही भोजन देना चाहिए। भोजन प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उत्तम पोषण का हमारे स्वास्थ्य, कार्य कुशलता, निपुणता आदि पर पड़ने वाले प्रभाव का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ते आहार विज्ञान पोषण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, जो इसमें कई प्रकार के शारीरिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो शरीर में रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के रूप में भी कार्य करते हैं। इसमें आहार प्लानिंग करते समय भोज्य समूह का भी ध्यान रखना चाहिए। पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सन 1944 में दैनिक आहार तालिका को तैयार किया गया था 1944 में। तो आईसीएमआर एक संस्था है, इस संस्था में भोज्य समूह को उसकी आवश्यकताएं संतुलित आहार के अनुसार ही रखा गया था। इसमें इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च में संतुलित आहार के लिए सन 1993 में 5 आधारभूत भोज्य समूह यानी फूड ग्रुप को वर्गीकृत किया गया था। इसमें बताया गया था कि भोजन किस तरह का, किस समय कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इन सभी का समावेश शरीर में किस तरह से होना चाहिए, जिससे जो मील प्लानिंग है, आहार
योजना है उसको पूर्ण रूप से संपन्न कर सकें।